टेनिस लेजेंड रोजर फेडरर ने अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। उन्होंने ये जानकारी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में एक लंबा चौड़ा पोस्ट करके दिया। 24 साल के करियर के बाद इतना लंबा चौड़ा पोस्ट तो बनता ही है। उन्होंने लिखा कि अगला हफ्ता होने वाला लेवर कप उनका आखिरी ATP टूर्नामेंट होगा। रोजर फेडरर ने यह भी कहा कि वो टेनिस खेलते रहेंगे, बस ग्रैंड स्लैम और टूर वाले मैचेस नहीं खेलेंगे। आपको बता दें कि रोजर फेडरर ने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और वो 20 में से 6 जीत ऑस्ट्रेलियन ओपन का है, 1 फ्रेंच ओपन का है, 8 विंबलडन का है और 5 US ओपन का है। रोजर फेडरर दुनिया के एक स्पोर्ट्स आइकन है और उनका रिटायरमेंट लेना उनके फैंस को दुखी करेगा। अपडेट नंबर 2, वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान के मैच के टिकट्स पूरी तरीके से सोल्ड आउट हो गए हैं और ये टिकट सोल्ड आउट होने में बस कुछ ही मिनट्स लगे। इंडिया और पाकिस्तान का मैच 23 अक्टूबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। अपडेट नंबर 3, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में इंडिजिनियस जर्सी पहन के उतरेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन जर्सी में इंडिजिनियस पेंटिंग बने हुए हैं जिसको ऑस्ट्रेलिया के इंडिजिनियस लोग मतलब कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी बनाया करते थे या फिर करते हैं। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी ऑस्ट्रोलोड ग्रुप के पीपल हैं जो कुछ इस तरह दिखते हैं। बाकी आज जो व्हाइट ऑस्ट्रेलियंस आप देख रहे हैं वो सब तो बाहर के हैं। अपडेट नंबर 4, पाकिस्तान के इंटरनेशनल अंपायर असद राव के कार्डियक अरेस्ट के कारण देहांत हो गया है। आपको बता दें कि असद राव ने 49 टेस्ट मैचेस, 98 ODI और 23 T20 में अंपायरिंग की है। अपडेट नंबर 5, 2022 बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स के 20 किलोमीटर रेस वॉक में सिल्वर मेडल जीतने वाले प्रियंका गोस्वामी ने कहा कि वो जब रोड में प्रैक्टिस करते थे तो उनको देखकर लोग हंसते थे। पहली बार जब कोई रेस वॉक को होते हुए देखेगा तो उसको हंसी जरूर आएगी, लेकिन ये भी एक गेम है और ओलंपिक में इस गेम की मान्यता है। इस गेम को खेलने के लिए खिलाड़ियों को बहुत ही ज्यादा फिट होना पड़ता है। अपडेट नंबर 5, ड्यूरेंट कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज बेंगलुरु FC ने हैदराबाद FC को 1-0 से हरा दिया है। हैदराबाद FC के खिलाड़ी ने अपने ही पोस्ट पे गोल मार दिया और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। फाइनल में बेंगलुरु FC का मुकाबला मुंबई सिटी FC से होगा, जिसने सेमीफाइनल में मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब को 1-0 से हराया है। अपडेट नंबर 6, भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी नमिता टोप्पो ने रिटायरमेंट ले ली है। उन्होंने अपना इंटरनेशनल डेब्यू 2012 में किया था। नमिता टोप्पो मिडफील्डर है और उन्होंने 168 मैचेस में टीम के लिए अपना योगदान दिया है। नमिता टोप्पो 2014 और 2018 एशियन गेम्स में भी शामिल रही हैं, जहां भारत ने ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल जीता था। स्पोर्ट्स अपडेट्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।